हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स की रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, यानी कि जो विंड्स चलती हैं ये अर्थ की अनइवन हीटिंग की वजह से बनती हैं, क्योंकि अर्थ कहीं पर गर्म होती है और कहीं पर ठंडी, इसी वजह से विंड्स बनती हैं। अब हम वो रीजन देखेंगे स्टूडेंट्स जिसकी वजह से विंड्स जनरेट होती है। तो पहला रीजन है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, यानी कि इक्वेटर और पोल्स के बीच में भी कुछ जगह गर्म होती है, कुछ जगह ठंडी होती है, जिसकी वजह से विंड्स जनरेट होती हैं। हम पहले डायग्राम के थ्रू आपको ये पूरा कंसेप्ट समझाएंगे स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम इस टॉपिक को रीड करेंगे जिससे आपके लिए इसको समझना इजी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने इस डायग्राम में लैटिट्यूड्स की डिग्रीज को भी यहाँ पर शो किया है, जो कि आपके बुक में नहीं दी गई हैं। ये हमने इसलिए दिखाया है ताकि आपके लिए इस टॉपिक को समझना ईजी हो जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 0 डिग्री दिखा रहा है इक्वेटर को। 0 डिग्री के ऊपर यानी इक्वेटर के ऊपर क्या है, फिर 30 डिग्री जो कि इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में है। ऐसे ही 0 डिग्री यानी इक्वेटर के नीचे अगर आप आए तो यहाँ पर भी 30 डिग्री है, ये इक्वेटर के सदर्न साइड में है यानी कि साउथ साइड में है। ऐसे ही अगर आप और ऊपर जाए नॉर्दर्न साइड में तो यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर पहले 30 डिग्री था और उसके बाद आया 60 डिग्री। ऐसे ही अगर आप इक्वेटर से नीचे आए तो पहले 30 डिग्री आया और उसके नीचे यहाँ भी 60 डिग्री आया, और फिर यहाँ पर इसके बाद आता है नॉर्थ पोल और यहाँ पर आता है साउथ पोल। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सनलाइट लगभग पूरे साल इक्वेटर पे बिल्कुल सीधी आती है, जिससे इक्वेटर का जो ये एरिया होता है ये पूरे साल गर्म रहता है, और इक्वेटर के गर्म होने की वजह से इसके ऊपर जो हवा होती है वो गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है। अब आप इस रीजन को देखिए, 0 से 30 डिग्री नॉर्दर्न साइड में, और इस रीजन को देखिए 0 से 30 डिग्री सदर्न साइड में। अब ये जो एरिया है स्टूडेंट्स 0 से 30 डिग्री नॉर्दर्न साइड में, ये और ये जो एरिया है 0 से 30 डिग्री सदर्न साइड में, ये वाला एरिया, ये दोनों एरियाज कंपैरेटिवली कम गर्म होते हैं इक्वेटर के मुकाबले। तो जब इक्वेटर में गर्मी होती है और यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो इस एरिया की हवा भी इक्वेटर की जगह पर आती है उस जगह को भरने के लिए, और इस जगह पे जो हवा होती है वो भी इक्वेटर की तरफ ही आती है उस खाली जगह को भरने के लिए, क्योंकि इक्वेटर की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। तो इसका मतलब इतना जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना एरिया हमने चेक कर लिया है कि यहाँ पर विंड्स किस तरीके से जनरेट होती है। यहाँ से भी हवा इक्वेटर की तरफ चलती है और यहाँ से भी हवा इक्वेटर की तरफ चलती है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के इतने एरिया में जो विंड्स बनी उनकी डायरेक्शन क्या है, वो हवाएं किस डायरेक्शन में चलती हैं। देखिए नॉर्थ साइड से जो विंड्स आ रही है, देखिए उनकी डायरेक्शन ये इस तरफ जा रही है, और सदर्न साइड से जो विंड्स आ रही है उनकी डायरेक्शन देखिए ये भी इस तरफ जा रही है। अब हम आपको समझाएंगे स्टूडेंट्स कि विंड्स की ये डायरेक्शन ऐसी क्यों होती है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इक्वेटर की नॉर्दर्न साइड से यानी इक्वेटर के ऊपर वाली साइड से अगर हवा चलती है तो वो अपने राइट साइड की तरफ मूव करती है। अब देखिए अगर ये हवा यहां से चली तो इसके लिए राइट साइड ये होगी, तो ये अपने राइट साइड की तरफ मूव करेगी, और अगर इक्वेटर के सदर्न साइड में यानी इक्वेटर के नीचे की तरफ जो ये हवाएं चलती हैं ये लेफ्ट की तरफ मूव करती है। ऐसा अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अब स्टूडेंट्स हमने ये पूरा एरिया यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया हमने चेक कर लिया है कि यहां पर विंड्स कैसे जनरेट होती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स 30 डिग्री से 60 डिग्री का जो ये नॉर्दर्न साइड का एरिया है, ये एरिया कंपैरेटिवली गर्म होता है नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में। तो इस रीजन में जो हवा होती है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, और नॉर्थ पोल की जो ठंडी हवाएं होती हैं वो इस तरफ आती है इस खाली जगह को भरने के लिए, जिसकी वजह से इस रीजन में भी विंड्स जनरेट होती हैं। अब यहां पर भी हम विंड्स के डायरेक्शन देख सकते हैं स्टूडेंट्स,
नॉर्थ पोल से जो विंड्स आ रही हैं, देखिए वो यहाँ से इधर आ रही हैं तो वो अपने राइट साइड की तरफ मुड़ रही हैं, और अगर आप यहाँ पर देखें तो जो एयर यहाँ से ऊपर की तरफ उठी थी, 30 से 60 डिग्री के बीच का जो ये रीजन है, ये गर्म हवाएं जब यहाँ से ऊपर की तरफ उठी तो ये भी अपने राइट साइड की तरफ मूव कर रही हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि इक्वेटर की जो नॉर्दर्न साइड होती है, यहाँ पर विंड की जो मूवमेंट होती है वो राइट साइड की तरफ होती है, तो नॉर्थ पोल से जो हवाएं आ रही हैं उनके लिए राइट साइड इस तरफ है, तो वो ऐसे मूव कर रही हैं। यहाँ से इस एरिया में जो हवाएं ऊपर उठी उनके लिए राइट साइड ये है, तो वो ऐसे मूव कर रही हैं। अब सिमिलरली इक्वेटर की जो सदर्न साइड है, यानी ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट काम करता है। स्टूडेंट्स देखिए, 30 डिग्री से 60 डिग्री का जो ये रीजन है, ये कंपैरेटिवली गर्म होता है साउथ पोल के कंपैरिजन में। तो इस रीजन की जो हवाएं होती हैं ये गर्म होकर ऊपर उठती हैं, और साउथ पोल की जो ठंडी हवाएं होती हैं वो यहाँ से इस तरफ चलती हैं इस खाली जगह को भरने के लिए, जिसकी वजह से ये जो रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर भी विंड्स जनरेट होती हैं। अब हमने इस कंसेप्ट को पूरी तरह से समझ लिया है स्टूडेंट्स। देखिए, हमने ये भी चेक कर लिया है कि इस एरिया में विंड्स कैसे जनरेट होती है, इस एरिया में विंड्स कैसे जनरेट होती है, और इस एरिया में विंड्स कैसे जनरेट होती हैं। अब आपको इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो भी अभी हमने आपको समझाया स्टूडेंट्स, वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। यू माइट हैव लर्न इन जियोग्राफी दैट रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। यानी कि आप जियोग्राफी में ये पढ़ चुके हैं कि इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास के रीजन्स सन की हीट की वजह से सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं। द एयर इन दीज रीजन्स गेट्स वार्म, और इक्वेटर और उसके आसपास के रीजन्स जो होते हैं, यहाँ पर जो हवा होती है वो गर्म रहती है। द वार्म एयर राइजेज एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स इन द 0 to 30 डिग्रीज लेटिट्यूड बेल्ट ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवार्ड्स द इक्वेटर। ये अभी हमने आपको समझाया था स्टूडेंट्स कि इक्वेटर का जो ये रीजन है, इक्वेटर जल्दी गर्म हो जाता है तो इसके ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, और 0 से 30 डिग्री वाला जो ये रीजन है नॉर्दर्न साइड वाला, यहाँ से भी हवाएं इक्वेटर की तरफ चलती हैं, और 0 से 30 डिग्री का जो ये रीजन है सदर्न साइड वाला, यहाँ से भी हवाएं इक्वेटर की तरफ चलती हैं। उसके बाद हमें दिया गया है, एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन दैट एट लेटिट्यूड्स अबाउट 60 डिग्रीज। द वार्म एयर एट दीज लेटिट्यूड्स राइज अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन्स रश इन टू टेक इट्स प्लेस। ये भी हम आपको पहले ही समझा चुके हैं स्टूडेंट्स कि 30 डिग्री से 60 डिग्री वाला जो ये रीजन होता है, ये कंपैरेटिवली गर्म होता है नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में। तो इस रीजन में जो हवा होती है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, और उसके नीचे जो खाली जगह बन जाती है, नॉर्थ पोल की ठंडी हवाएं उस जगह को भरने के लिए इस तरफ आती है। इस तरीके से इस रीजन में भी विंड्स जनरेट होती हैं। सिमिलरली इक्वेटर की सदर्न साइड में अगर आप देखेंगे तो 30 डिग्री से 60 डिग्री वाला जो ये रीजन है, ये कंपैरेटिवली गर्म होता है साउथ पोल के कंपैरिजन में। तो इस रीजन में 30 डिग्री से 60 डिग्री वाले रीजन में जब यहाँ पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो साउथ पोल की ठंडी हवाएं इस खाली जगह को भरने के लिए इस तरफ चलती हैं। इस तरह से इस रीजन में भी विंड्स जनरेट होती हैं। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेटअप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लेटिट्यूड्स एज शोन इन फिगर 8.8। इस तरह से विंड सर्कुलेशन बनता है पोल्स से वार्मर लेटिट्यूड्स की तरफ। द विंड्स वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउ एवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि नॉर्थ पोल से चलने वाली हवाएं सीधे साउथ पोल की तरफ नहीं आती हैं, और साउथ पोल से चलने वाली हवाएं सीधे नॉर्थ पोल की तरफ नहीं जाती हैं, इनकी डायरेक्शन बदलती है, और हमने आपको बताया था कि ये डायरेक्शन अर्थ की रोटेशन की वजह से बदलती हैं। इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड की जो हवाएं होती हैं वो अपनी राइट साइड की तरफ मूव करती हैं, और इक्वेटर के सदर्न साइड की जो हवाएं होती हैं वो अपनी लेफ्ट साइड की तरफ मूव करती हैं।
अब हम सेकंड रीजन देखेंगे स्टूडेंट्स कि विंड करंट्स कैसे जनरेट होते हैं। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी कि लैंड और वाटर एक ही तरह से हीट नहीं होते। लैंड पानी के मुकाबले जल्दी गर्म हो जाती है और लैंड पानी के मुकाबले ठंडी भी जल्दी होती है। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। आप सी ब्रीज के बारे में और लैंड ब्रीज के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमसे कहा गया है, इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशंस। यानी गर्मियों के दिनों में इक्वेटर और उसके आसपास की जो लैंड होती है, जो जमीन होती है, वो ज्यादा तेजी से गर्म होती है और ज्यादातर समय लैंड का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, ओशंस यानी महासागरों के पानी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में। यानी इक्वेटर्स की जो लैंड है उनका टेम्परेचर ओशंस के पानी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेज, इसकी वजह से लैंड के ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। दिस कॉजेज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशंस टुवर्ड्स द लैंड, इसकी वजह से ओशंस की तरफ से जो हवाएं हैं वो लैंड की तरफ चलती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, लैंड के ऊपर हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ चली जाती है और उनके नीचे खाली जगह बन जाती है, तो ओशंस की जो हवाएं होती हैं वो उस खाली जगह को भरने के लिए लैंड की तरफ मूव करती हैं। दीज आर मॉनसून विंड्स, और ये हवाएं मॉनसून विंड्स कहलाती हैं। यानी कि ओशन से लैंड की तरफ चलने वाली विंड्स मॉनसून विंड्स कहलाती हैं। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स्ड, इट फ्लोस फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। यानी कि विंटर में विंड फ्लो की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, यानी कि विंड लैंड से ओशन की तरफ बहती है। द विंड्स फ्रॉम द ओशंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, यानी कि ओशंस की तरफ से जो हवाएं लैंड की तरफ आती हैं वो अपने साथ रेन यानी बारिश लाती है। इट इज अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल का ही एक पार्ट है। द मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स, मॉनसून विंड्स अपने साथ पानी लाती हैं और इससे बारिश होती है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस, बादल अपने साथ बारिश लाते हैं और हमें हैप्पीनेस यानी खुशियां देते हैं। फार्मर्स इन अवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर दियर हार्वेस्ट, हमारे देश के किसान खेती बाड़ी के लिए बारिश पर निर्भर करते हैं। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन, हमारे देश में बादलों के लिए और बारिश के लिए बहुत से लोकगीत हैं। However, it is not always a happy ending. Rains often create problems. लेकिन ऐसा नहीं है कि रेन हमेशा खुशियां ही लेकर आती है, रेन कई बार परेशानियां यानी मुसीबत भी लेकर आती है। Can you list some of the problems? क्या आप लिस्ट बना सकते हैं ऐसी problems की जो रेन की वजह से होती है? You can discuss the causes and solutions of the problems with your teacher and parents. यानी कि रेन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स के कारण क्या है और इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, ये आप अपने टीचर और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशंस दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिजास्टर्स एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमंस एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि नेचर में कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो कि बहुत विनाशकारी साबित हो सकती है और इससे खतरा पैदा हो जाता है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और प्लांट्स के लिए। लेट्स स्टडी टू सच सिचुएशंस, थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। अब हम ऐसी दो सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे, थंडरस्टॉर्म के बारे में और साइक्लोन्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे थंडरस्टॉर्म्स के बारे में। थंडरस्टॉर्म्स जिसे हम तूफान भी कहते हैं, थंडरस्टॉर्म्स में बिजली चमकती है और तेज गड़गड़ाहट होती है। थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली, यानी कि थंडरस्टॉर्म्स हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज जैसे कि इंडिया में अक्सर बनते रहते हैं।
The rising temperatures produce strong upward rising winds. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर की तरफ उठती है. दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवार्ड्स वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन. यानी कि जब विंड्स ऊपर की तरफ जाती हैं तो ये अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट को भी ऊपर ले जाती हैं, और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स हवा के साथ ऊपर जाते हैं तो ऊपर इन्हें ठंडक मिलती है और ये फ्रीज हो जाते हैं और ये वापस नीचे की तरफ गिरते हैं. द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स तेजी से नीचे की तरफ गिरते हैं और नीचे से हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर की तरफ आ रही होती है, जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो इससे लाइटनिंग बनती है और साउंड भी बनता है, यानी कि बिजली चमकती है और तेज गड़गड़ाहट की आवाज भी आती है. इट इज दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडरस्टॉर्म. और इसी बिजली चमकने को, इसी तेज गड़गड़ाहट की आवाज को हम थंडरस्टॉर्म यानी कि तूफान कहते हैं. यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस. आप लाइटनिंग के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. इफ अ स्टॉर्म इज अकम्पनीड बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस. अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर तूफान आता है और उसके साथ बिजली भी चमकती है तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, यानी कि हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए. तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, जब भी तूफान आता है तो बहुत तेज बारिश होती है और उसके साथ बिजली भी चमकती है, तो इस स्थिति में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री. यानी कि अगर आपको एक अकेला पेड़ नजर आता है जिसके आसपास कुछ नहीं है तो उसके नीचे शेल्टर मत लीजिए. इफ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री. और अगर आप जंगल में हैं तो आप एक छोटे पेड़ के नीचे शेल्टर ले सकते हैं. Do not lie on the ground. और आपको जमीन पर लेटना नहीं चाहिए. उसके बाद हमसे कहा गया है Do not take shelter under an umbrella with a metallic end. जब भी तूफान आए स्टूडेंट्स तो आपको अम्ब्रेला के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें मेटल भी यूज होता है. Do not sit near a window. जब भी तूफान आए तो आपको विंडो यानी खिड़की के पास नहीं बैठना चाहिए. ओपन गैरेजेस, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर. यानी कि ओपन गैरेजेस, स्टोरेज शेड्स और मेटल शेड्स भी तूफान से बचने के लिए सेफ प्लेस नहीं होते हैं. अ कार और अ बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. यानी तूफान से बचने के लिए कार और बस सेफ प्लेस होते हैं. इफ यू आर इन वॉटर गेट आउट एंड गो इन साइड अ बिल्डिंग. यानी जब तूफान आता है उस समय अगर आप पानी में हैं तो पानी से बाहर आ जाइए और बिल्डिंग में चले जाइए. अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन. थंडरस्टॉर्म साइक्लोन कैसे बनता है. यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट. आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब वाटर लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज होता है तो इसके लिए वाटर को हीट की जरूरत पड़ती है. डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड. यानी कि जब वाटर कंडेंस होकर वेपर से लिक्विड में चेंज होता है तो क्या वो हीट रिलीज करता है, क्या वो हीट बाहर की तरफ छोड़ता है. बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमोसफेयर टू चेंज इनटू वेपर. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि क्लाउड बनने से पहले वाटर एटमॉस्फेयर से हीट लेता है और वेपर में चेंज हो जाता है. उसके बाद हमसे कहा गया है व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब वाटर वेपर चेंज होते हैं लिक्विड में यानी कि रेन ड्रॉप्स में तो ये एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज कर देते हैं. द हीट रिलीज टू द एटमोसफेयर वॉर्म्स द एयर अराउंड. और जब ये हीट रिलीज होती है एटमोसफेयर में तो जो आसपास की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है. द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर. यानी कि हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है और एयर प्रेशर कम हो जाता है. मोर एयर रश टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है तो उसके नीचे खाली जगह बन जाती है
और आसपास की जो कंपैरेटिवली ठंडी हवा होती है वो उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से आती है, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। जब यहाँ पर हवा गर्म होकर ऊपर उठी तो उसके नीचे लो प्रेशर एरिया बन गया और आसपास की कंपैरेटिवली ठंडी हवा उस जगह को भरने के लिए तेजी से उस तरफ आती है। यहाँ पर इस लो प्रेशर एरिया को सेंटर ऑफ द स्टॉर्म कहा गया है। दिस साइकिल इज रिपीटेड, और ये प्रोसेस लगातार रिपीट होता रहता है, यानी कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती रहती है और आसपास की हवाएं उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से आती रहती हैं। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। और जब ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है तो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर वाला सिस्टम बन जाता है, जिसके चारों तरफ हाई स्पीड विंड्स चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं। इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। इसी वेदर कंडीशन को हम साइक्लोन कहते हैं, यानी लो प्रेशर सिस्टम के चारों तरफ हाई स्पीड विंड्स का चक्कर लगाना ही साइक्लोन कहलाता है। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। यहाँ पर हमें यह बताया गया स्टूडेंट्स कि साइक्लोन किन से बनता है। साइक्लोन बनता है विंड स्पीड से, विंड डायरेक्शन से, टेम्परेचर से और ह्यूमिडिटी से। यहाँ आपको साइक्लोन का डायग्राम दिखाया गया स्टूडेंट्स, इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा है आई, ये सेंटर ऑफ साइक्लोन होता है और इसे आई ऑफ द स्टॉर्म भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स डिस्ट्रक्शन कोस्ड बाय साइक्लोन्स, यानी कि साइक्लोन किस प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार की तबाही मचा सकते हैं। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, साइक्लोन्स बहुत विनाशकारी साबित हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वॉटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब साइक्लोन बनता है तो वो इतना ताकतवर होता है कि उसकी स्ट्रॉन्ग विंड्स सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी पानी को समुन्दर के किनारों तक पुश करने की ताकत रखती है। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग विंड्स सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी पानी को पुश करके किनारों की तरफ ले आती हैं। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। ये पहली निशानी होती है कि साइक्लोन आने वाला है। द वॉटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम। और स्ट्रॉन्ग विंड्स के द्वारा जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, यानी जो लहरें बनती हैं, कोई इंसान इनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये लहरें, ये वाटर वेव्स इतनी पावरफुल होती हैं। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3 to 12 meters। साइक्लोन में जो आई वाला पार्ट होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लो प्रेशर होता है और ये वाला हिस्सा जो होता है साइक्लोन का, ये पानी को ऊपर की तरफ उठाता है। और यहाँ से, यानी कि आई वाले पार्ट से जो पानी ऊपर की तरफ उठता है, ये 3 से 12 मीटर ऊपर जा सकता है। यानी कि 3 से 12 मीटर ऊंची पानी की लहरें बन सकती हैं। इट अपियर्स लाइक अ वॉटर वॉल मूविंग टुवार्ड्स द शोर। और ये पानी की लहरें इतनी ऊंची होती है स्टूडेंट्स कि ऐसा लगता है कि पानी की दीवार किनारे की तरफ बढ़ रही है। एज अ रिजल्ट द सी वॉटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज कॉजिंग सिवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और इस वजह से समुद्र का पानी किनारों के आसपास जो जगह होती है वहां भर जाता है, जिसकी वजह से लाइफ का भी लॉस होता है और प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल, यानी इससे सोयल की फर्टिलिटी कम होती है, यानी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती है। कॉन्टिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश से स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है और बाढ़ भी आ सकती है। हाई स्पीड विंड्स अकम्पनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस, टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ट्रीज एट्सेट्रा, कॉजिंग ट्रमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी कि साइक्लोन के साथ जो हाई स्पीड विंड्स आती हैं, ये घरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, टेलीफोन्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं और दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं और ट्रीज को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान हो सकता है।
A cyclone is known by different names in different parts of the world. इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि दुनिया की अलग अलग जगहों पर साइक्लोन को अलग अलग नामों से जाना जाता है. इट इज कॉल्ड अ हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट. अमेरिका में साइक्लोन को हरिकेन के नाम से बुलाया जाता है. इन फिलीपींस एंड जापान इट इज कॉल्ड अ टाइफून. फिलीपींस और जापान में साइक्लोन को टाइफून के नाम से बुलाया जाता है. अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स टोर्नेडोस के बारे में. इन अवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट. यानी हमारे देश में टोर्नेडोस नॉर्मली नहीं बनते हैं. अ टोर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड. यानी कि टोर्नेडो एक डार्क फनल शेप्ड क्लाउड होता है जो स्काई से लेकर ग्राउंड तक बनता है. मोस्ट ऑफ द टोर्नेडोज आर वीक. ज्यादातर टोर्नेडोज वीक होते हैं. अ वायलेंट टोर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड्स ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर. जबकि एक खतरनाक टोर्नेडो की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है. टोर्नेडोज मे फॉर्म विद इन साइक्लोन्स. यानी कि टोर्नेडोज साइक्लोन्स के अंदर भी बन सकते हैं. द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट. इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि भारत की जो कोस्ट लाइन है यानी भारत के समुद्री इलाके जो समुद्रीय तट वाली जगह हैं वहां पर साइक्लोन्स आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, खास तौर पे ईस्ट कोस्ट में. द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन्स. इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि भारत का जो वेस्ट कोस्ट है वहां पर साइक्लोन बनने की संभावना कम होती है, और अगर साइक्लोन्स बनते भी हैं तो वो ज्यादा ताकतवर नहीं होते, वो कमजोर साइक्लोन होते हैं. अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स. यानी कि साइक्लोन से बचने के लिए कौन से सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए. अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस. यानी कि ऐसा साइक्लोन फोरकास्ट सिस्टम होना चाहिए जिससे पहले ही पता चल जाए कि साइक्लोन आने वाला है, और वार्निंग सर्विस सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके वार्निंग सब लोगों तक पहुंच जानी चाहिए. रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक. यानी कि जितना जल्दी हो सके साइक्लोन की वार्निंग गवर्नमेंट एजेंसीज तक पहुंचनी चाहिए, पोर्ट्स तक पहुंचनी चाहिए, फिशरमैन तक पहुंचनी चाहिए, शिप्स तक पहुंचनी चाहिए और आम लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए ताकि कम से कम नुकसान हो. कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस. यानी कि ऐसी जगहें जहां पर साइक्लोन आने की संभावना ज्यादा होती है ऐसी जगहों पर साइक्लोन शेल्टर्स बनाए जाने चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि साइक्लोन आने की स्थिति में लोगों को जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके. अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल. यानी साइक्लोन आने की स्थिति में आम लोगों को क्या करना चाहिए. वी शुड नॉट इग्नोर The warnings issued by the meteorological department through TV, radio or newspapers. इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर मौसम विभाग वार्निंग देता है साइक्लोन के बारे में टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा और न्यूज़पेपर्स के द्वारा, तो हमें इस वार्निंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए. We should make necessary arrangements to shift the essential household goods, domestic animals and vehicles, etc. सेफर प्लेसेस. यानी कि जब हमें यह पता चल जाए कि साइक्लोन आने वाला है तो हमें पहले से ही अरेंजमेंट कर लेना चाहिए अपने घरों के जरूरी सामान को शिफ्ट करने के लिए, डोमेस्टिक एनिमल्स को शिफ्ट करने के लिए और गाड़ियों को शिफ्ट करने के लिए सुरक्षित स्थानों पर. अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड्स मे हैव डैमेज्ड द रोड्स. हमें ऐसे रास्तों पर गाड़ी चलाने से बचना चाहिए जहां पर कि पानी जमा हुआ हो, क्योंकि बाढ़ के पानी से सड़कें खराब हो सकती हैं. कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स. यानी कि हमारे पास पुलिस,
फायर ब्रिगेड और मेडिकल सेंटर्स के फोन नंबर भी होने चाहिए। सम अदर प्रिकॉशंस इफ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया, यानी कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर साइक्लोन आते रहते हैं, तो आपको और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर एमरजेंसीज, यानी कि अगर साइक्लोन आता है तो आपको वही पानी पीना चाहिए जो आपने स्टोर करके रखा था। जिस पानी के बारे में आपको नहीं पता है, उस पानी को आपको नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो पानी गंदा हो सकता है। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स, यानी कि आपको गीले स्विचेस को नहीं छूना चाहिए और पावर लाइन्स यानी वायर्स को भी नहीं छूना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, यानी कि आपको सिर्फ फन के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, ये रिस्की हो सकता है। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, यानी कि जो रेस्क्यू टीम आपको बचाने आती है, आपको उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए और उनके सामने बेकार की डिमांड्स नहीं रखनी चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, आपको अपने नेबर्स और फ्रेंड्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी मदद कैसे करती है साइक्लोन से बचने के लिए। दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड, अगर हम पुराने समय से कंपेयर करें तो अब हम ज्यादा सुरक्षित हैं। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी कोस्टल रेजिडेंट्स मे हैव हैड लेस देन अ डे to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone, यानी पुराने समय में लोगों को साइक्लोन से बचने के लिए एक दिन से भी कम समय मिलता था। The world today is very different, लेकिन अब दुनिया बहुत बदल चुकी है, अब नई नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। Thanks to satellites and radars, a cyclone alert और साइक्लोन वॉच इज इश्यूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड अ साइक्लोन वार्निंग इज इश्यूड 24 आवर्स इन एडवांस, यानी के सैटेलाइट्स और रडार्स की मदद से साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच 48 आवर्स पहले यानी 48 घंटे पहले ही इश्यू हो जाता है, और साइक्लोन आने से 24 घंटे पहले साइक्लोन वार्निंग भी इश्यू हो जाती है। The message is broadcast every hour or half hour when a cyclone is nearer the coast. और हर एक घंटे में या आधे घंटे में message broadcast किया जाता है जब cyclone किनारे के नजदीक आ जाता है। Several national and international organizations cooperate to monitor the cyclone-related disasters. यानी के बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कोऑपरेट करती हैं ताकि वो साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स को मॉनिटर कर सके, उस पर नजर रख सके। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।